हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, मैंने ये घर डिज़ाइन किया जो कि देख सकते हैं। नीचे में तीन शॉप है, एक गोडाउन है, एक पैसेज हो गया कार रखने के लिए, और स्टेयर हो गया नीचे में हमारा कंटिन्यू ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सबसे कोना में एक स्टेयर है और ऊपर में देख सकते हैं 3 BHK है इसमें। ओके, और एक टॉयलेट है, एक किचन है, एक मास्टर पी बेडरूम है इसमें, और ओपन टेरिस, एक बालकोनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा रेलिंग वगैरह डिज़ाइन है यहाँ पर इस घर का, जो कि सामने का यहाँ पर देख सकते हैं ये डिज़ाइन हो गया हमारा, और एक नीचे का डिज़ाइन हो गया। तो चलिए मैं आपको इसका 3D एलिवेशन डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3D एलिवेशन डिज़ाइन है हमारा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नीचे से मैं दिखाता हूँ, यहाँ हमारा स्टेयर हो गया दुकान में आने के लिए, शॉप में। यहाँ से रैंप हो गया हमारा कार जाने के लिए अंदर। एक दो तीन, तीन शॉप हो गया। ओके, मतलब चार सेटर हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेटर और ये सेटर का गेट एक ही होगा, मतलब कि रूम एक ही है। ओके, तीन एक चार, एक गोडाउन है इसमें। ठीक है, और ऊपर में जा करके देखिए तो हमारा एक मतलब कि ओपन टेरिस हो जाएगा और एक बालकोनी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनका डिज़ाइन, रेलिंग वगैरह का डिज़ाइन देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा RCC होकर जाएगा, और उसके बाद ये जो हमारा ये RCC हो जाएगा, ये स्टील का पाइप, ये भी स्टील का पाइप, पेड़ के साथ जो बना हुआ है ये भी हमारा RCC हो जाएगा। और उसके बाद ये स्टील का पाइप लग जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी हमारा स्टील का पाइप हो गया नीचे में। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ अब, जो कि आप नक्शा देख सकते हैं अब। ओके, यह हमारा फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन हो गया। ओके, देख सकते हैं आप नीचे से लेके ऊपर तक। तो चलिए आप, मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। नक्शा में देख सकते हैं कि पहले जो हमारा शॉप था, एक सेटर यहाँ लगा है, एक सेटर यहाँ पे। ओके, एक शॉप यहाँ पे हो गया और एक शॉप यहाँ पे। ओके, ये हमारा यहाँ से एक रास्ता हो जाएगा, मतलब कि एक वॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो एक शॉप, दो शॉप, तीन शॉप हो गया, एक पैसेज, एक गोडाउन हो गया बड़ा सा, 11 फीट 9 इंच, 27 फीट का गोडाउन बड़ा हो गया। ये सीढ़ी से कंटिन्यू हम ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा ज़मीन तिरछा है, लास्ट में आकर के जमीन जो प्लॉट है 11 फीट 4 इंच हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा कटआउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सामने एकदम पूरा चौराही है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये इस जगह में जो कटआउट हो गया प्लॉट। ओके, और उसके बाद चलिए मैं आपको उसका फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर में देख सकते हैं कि ओपन टेरिस 4 फीट का, और इसका बालकोनी हो गया। जब हम यहाँ से कंटिन्यू ऊपर आ जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बेडरूम हो गया, एक टॉयलेट अटैच। ओके, और उसके बाद इसी से यहाँ से हम आने के बाद एक तो बेडरूम, एक टॉयलेट अटैच हो गया, उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट हो गया, एक डाइनिंग हॉल और एक किचन रूम। और यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे आर्च रहेगा हमारा। एक पूजा रूम हो गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इनका वास्तु के अकॉर्डिंग है। नॉर्थ इधर हो गया हमारा, साउथ इधर, ईस्ट सामने हो गया, वेस्ट पीछे। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बेडरूम हो गया यहाँ पे हमारा, एक बेडरूम यहाँ पे हो गया, और एक ओपन टेरिस, एक 4 फीट का बालकोनी। सारा डायमेंशन दिया हुआ है, किचन का है 12 फीट 8.5 इंच, और उसके बाद यहाँ पे पूजा का हो गया 6 फीट 8 इंच बाई 6 फीट का। ओके, जो कि देख सकते हैं, और पीछे का जो है 22.5 फीट का हो गया। ओके, और फ्रंट सामने में जो है 26 फीट 7 इंच का हो गया ऊपर में। ओके, जो कि यही हमारा है। और उसके बाद थोड़ा सा प्लॉट टेढ़ा है इसका, क्योंकि सबका प्लॉट जो है एकदम सीधा नहीं होता है, 22 बाई 22, 25 बाई 25 नहीं होता है, 25 बाई 30 नहीं होता है, तो किसी किसी का मतलब अलग अलग प्लॉट होता है। ओके, तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके अंदर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप पर या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।